हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च थार के मरुस्थल का आगे बढ़ना, यानी जो थार का मरुस्थल है दोस्तों वो कौन सी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए हम जब बात कर रहे हैं इसकी कि जो थार का मरुस्थल है वो कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो इनको क्या करते हैं अपन एक बार दिशा के अनुसार क्रम देखें कि हमने कहा कि ये जो भाग है इसकी कौन सी दिशा है, उत्तर की तरफ, ये उत्तर की तरफ, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम और इधर आई हुई कौन सी पूरब। अब हम देखते हैं इसको कि ये जो मरुस्थल है किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जो थार का मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है ये बीच में जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या करती है, थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित, यानी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अब जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार किस तरफ होगा, कौन सी तरफ जाएगा, तो देखिए ये जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार इस तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला आई हुई है। तो थार के जो मरुस्थल का जो विस्तार होगा वो मरुस्थल किसकी तरफ फैलेगा, कौन सी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, तो ये जो मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा दोस्तों वो इस भाग की तरफ हो रहा है, यानी उत्तर और पूर्वी दिशा की तरफ। तो थार का मरुस्थल कौन सी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान मार्च, तो हमारा आंसर क्या होगा कि रेगिस्तान मार्च जो हो रहा है कौन सी दिशा की तरफ हो रहा है दोस्तों, तो हमने कहा कि ये उत्तर और पूर्वी भाग की ओर, उत्तरी पूर्वी भाग की ओर क्या हो रहा है, रेगिस्तान मार्च, यानी कौन से राज्य की तरफ थार का मरुस्थल का फैलाव हो रहा है, मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, तब हमारी बात होगी कि ये हरियाणा, यानी हरियाणा की दिशा की तरफ थार का मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं रेगिस्तान मार्च, या थार के मरुस्थल का आगे बढ़ना कहलाता है रेगिस्तान मार्च। दोस्तों अब याद रखना जब हमने हमारी बात हुई थी कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो हमने बात की कि मुख्य रूप से प्रमुख रूप से 19 जिले हैं, लेकिन ये जो थार का मरुस्थल है वो और आगे बढ़ रहा है, कौन से जिले में फैल रहा है, तो राजस्थान के कौन से जिले में, याद कीजिए जब हमारी बात हुई थी पिछली क्लास में जब हमने कहा था कि यहाँ पर जो जिला आया हुआ है कौन सा, जिसको हमने छोड़ा था सिरोही, तो हो सकता है कि वर्तमान में कौन से जिले में थार का मरुस्थल आगे बढ़ेगा, तो अपन कह सकते हैं कि सिरोही जिले में। जब बात होगी तो जिला कौन सा आएगा, सिरोही, लेकिन जब दिशा की बात होगी तो कौन सी होगी आपके, उत्तर और पूर्वी। ये कौन से भाग की बात करें अपन, थार का मरुस्थल। दोस्तों थार के मरुस्थल के अंदर हमने बात की कि रेगिस्तान मार्च, पेउड़ा, इसके अलावा अपने कहा नकलिस्तान, अकलवुड फॉसिल पार्क की बात हुई जो विश्व का सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष आज भी मौजूद है, फिर हमने कहा यहाँ पर क्या मिलता है, पेउड़ा मिलता है, इसके बाद फिर हमने किसकी बात की कि लाठी सीज, ये सभी जो भाग है कौन से भाग के अंदर है, शुष्क प्रदेश के अंदर है। तो हमारा जो पहला जो चैप्टर था वो शुष्क प्रदेश का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी की जो बात करेंगे अपन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।